गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे आपका 16 चैप्टर है, फिफ्थ क्लास का ये इंग्लिश फर्स्ट है जो आपका 16 चैप्टर है, द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज कब हुई, कैसे हुई, किसने किया, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द एंशिएंट टाइम मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। यहाँ पे एंशिएंट होता है आपका, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय में, मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। अधिकतर लोग जो थे वो इस पर विश्वास करते थे कि जो हमारा अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, मतलब चिपटा हुआ है। हाउएवर सम पीपल वर श्योर दैट इट वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड। लेकिन जो कुछ लोग थे वो इस बात पे विश्वास करते थे कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, राउंड है, गोल है। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज वन ऑफ देम हु बिलीव्ड इन द लेटर आइडिया। क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस उनमें से एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस पर जो विचारों पर विश्वास करते थे, मतलब लॉजिक चीज़ों पर विश्वास करते थे। कोलंबस वॉज एन इटालियन फ्रॉम गैनेवा लिविंग इन पोर्टुगल। कोलंबस जो है वो एक इटालियन थे जो कि पोर्टुगला में रहते थे। ठीक है, द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ हिज लाइफ वॉज टू डिस्कवर द सी रूट टू द स्पाइस आइलैंड ऑफ द ईस्ट इंडीज। उनका जो एम्बिशन था, मतलब एम्बिशन का मतलब होता है गोल, लक्ष्य। ठीक है, उनका जो डिज़ायर थी, उनकी जो इच्छा थी कि समुद्र में से एक रास्ता निकालें, मतलब समुद्र में से रास्ता निकालना चाहते थे वो आइसलैंड तक, मतलब आपका उस द्वीप तक रास्ता निकालना चाहते थे ईस्ट इंडीज़ के। ही गैव लॉजिक दैट सिंस द अर्थ इज़ राउंड। उन्होंने ही एक लॉजिक भी दिया था कि हमारा अर्थ जो है वो राउंड है, मतलब गोल है। द अर्थ इज राउंड, ए शिप कुड सेल अराउंड द ग्लोब एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उन्होंने यहाँ पे सेल का मतलब है जल यात्रा। ठीक है, फिर उन्होंने एक जहाज से जल यात्रा की, मतलब जल यात्रा किया चारों तरफ, मतलब अर्थ पे ही उन्होंने चारों तरफ जल यात्रा की और अपने जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पर आके वो वापस आ गए। मतलब उन्होंने जो जल यात्रा की थी, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो रुक गए। ठीक है, आगे देखते हैं। दस द शॉर्टेस्ट रूट टू द ईस्ट इंडीज़ वुड बी बाय सेलिंग वेस्टवर्ड। उन्होंने उस समुद्र में एक शॉर्टकट रास्ता बनाया, छोटा सा रास्ता बनाया ईस्ट से वेस्ट तक जाने के लिए। ठीक है, इंडीज़ के ईस्ट से वेस्ट तक जाने के लिए उन्होंने एक रास्ता भी बनाया। कोलंबस साउट सपोर्ट फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स फॉर हिज आइडिया अगेन एंड अगेन। कोलंबस ने कुछ लोगों, वहाँ के कुछ क्वार्टर्स से उन्होने आइडिया मांगा, उनसे कहा कि मतलब तुम मुझे आइडिया दो और सपोर्ट करो मेरा बार बार। बट पीपल रिफ्यूज टू बिलीव हिम। लेकिन जो लोग थे वहाँ के, उनको उन पर विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही कोई विचार हमारे पास है और हम दे सके आपको। थो ही वॉज अ स्किल्ड नेविटर, हालांकि वो एक बहुत अच्छे, मतलब जो कोलंबस थे, हालांकि वो बहुत अच्छे एक नाविक थे, नाविक का मतलब होता है एक नाव बहुत अच्छा चलाते थे वो। ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट आउट ऑन एन एक्सपेंडिशन टू प्रूव हिज पॉइंट। लेकिन जो उनको ना, हालांकि बहुत अच्छे नाविक थे, बहुत अच्छा नाव चलाते थे, लेकिन उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। ही रिक्वायर्ड सिप फूड सप्लाई एंड मैन। उनको जहाज़ की और आपूर्ति भोजन के लिए आदमियों की ज़रूरत थी। दिस वॉज पॉसिबल ओनली विद द सपोर्ट ऑफ समवन रिच एंड पावर। और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो कि रिच हो और पावरफुल हो, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो और ताकतवर हो। फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ फाइनली जब
उनका कुछ निराशा वाले साल जो थे, मतलब उदास रहते थे इस चीज़ को कि नहीं मिल रहा उनको। जैसे अगर आपको भी कोई चीज़ आपकी जो डिज़ायर रहेगी आपको नहीं मिल पाएगा, कुछ साल ऐसे बीत जाएंगे आपके, तो ऐसे उनकी जो इच्छा थी वो कुछ साल तक पूरी नहीं हुई। फाइनली उनका निराशे वाले साल ख़त्म हुए। ही गेट द हेल्प ऑफ फेडिनेंड एंड इसाबेला। उनको एक फेडिनेंड और इसाबेला की मदद मिली। द स्पेनिश किंग एंड क्वीन। वो स्पेनिश के किंग और क्वीन थे, मतलब राजा और रानी थी। इन अगस्त 1492 थ्री स्मॉल शिप सेट सेल फ्रॉम स्पेन। अगस्त 1492 के अगस्त में तीन छोटे जहाज स्पेन से रवाना किए गए। मतलब जब उनको सपोर्ट में मिला तो उन्होंने क्या किया, स्पेन से तीन छोटे जहाज 1942 के अगस्त में रवाना किए, वहाँ से स्पेन से निकाल दिए गए उनके लिए। देयर बाउस पॉइंटेड वेस्ट वार्ड अक्रॉस द वाइड अननोन अटलांटिक। बाउस का मतलब होता है धनुष, ठीक है। और जो उस नाव पे, मतलब जो शिप पे, जहाज पे एक धनुष लगा हुआ था जो कि पॉइंट कर रखा था अटलांटिक की तरफ। अटलांटिक एक जगह का नाम है, वहाँ पे पॉइंट कर रखा था जो कि पश्चिम की ओर था अटलांटिक, ठीक है। ऑन द 12th डे ऑफ अक्टूबर, 12वें अक्टूबर के 12वें दिन द सेलर सॉ लैंड एट सम डिस्टेंस। जो वहाँ के सेलर थे, मतलब जो नाव चला रहे थे, उन्होंने कुछ दूरी पर एक जमीन देखी, एक भूमि देखी। कोलंबस वाज क्वाइट श्योर दैट इट वाज ऑन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। कोलंबस जो थे उनको इस बात पे यकीन था कि वो इंडिया के तट का एक द्वीप था, इंडिया के तट का एक द्वीप था उनको इस बात, कोलंबस को इस बात पे यकीन था। व्हेन अदर आइलैंड कम इनटू व्यू ही नेम्ड देम द इंडीज। और जो दूसरे व्हेन अदर आइलैंड कम इनटू व्यू ही नेम्ड देम द इंडीज। और जब अदर द्वीप से लोग उसे देखने आए तो उनका नाम इंडीज था। मतलब आइलैंड को देखने के लिए जब आए कुछ द्वीप से तो उनका नाम इंडीज था। इनफैक्ट द आइलैंड वर द बहामास एंड हैटी आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के तट पर जो हैटी और बहामास नाम के रहते थे, वे लोग भी वहाँ पे देखने आते थे और उनका नाम भी बहामास और हैटी आइलैंड था। कोलंबस से गलती हुई थी, लेकिन हाउ एवर अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका। कोलंबस जो था उनसे गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रही है अमेरिका की खोज के लिए, ठीक है। कोलंबस इज सेड टू हैव डिस्कवर्ड अमेरिका फॉर एट दैट टाइम यूरोप एंड द ईस्टर्न वर्ल्ड हैड नो आइडिया अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। कोलंबस कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लेकिन हर पूरी दुनिया इस बात को नहीं मानती, ना ही इस पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। आफ्टर कोलंबस फाउंड दिस न्यू वर्ल्ड पीपल स्टार्टिंग विजिटिंग द प्लेस। जब कोलंबस ने एक नया शहर, नया संसार एक ढूंढ लिया, तो लोग उसको देखने के लिए वहाँ गए। वेरी सून पीपल सेटल देयर। बहुत जल्दी लोग वहाँ पे सेटल्ड भी हो गए थे। ऑन इटालियन नेम अमेरिगो सेल्ड सम वॉयजेस। इटालियन नाम की अमेरिगो ने कुछ मतलब अमेरिको नाम के कुछ इटालियन जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे ट्रैवल भी किया था, वहाँ पे यात्रा भी की थी। अमेरिका वॉज गिवन दिस नेम आफ्टर द नेम ऑफ दिस मैन। अमेरिको की वजह से उसका उस संसार का नाम अमेरिका रखा गया था,
बिकॉज सम पीपल बिलीव रॉन्गली, लेकिन कुछ जो लोग थे, क्योंकि जो कुछ लोग थे वो इस बात को गलत मानते थे, देन दैट ही वॉज द मैन हु हैड डिस्कवर्ड द मैन लेड ऑफ द कंटेंट. लेकिन मतलब कुछ लोग ये मानते थे कि जो अमेरिको था उसने अमेरिका की खोज की थी, इसलिए उसके नाम पे अमेरिका रखा गया. इनफैक्ट 500 ईयर बिफोर कोलम्बस वॉज बॉर्न, वास्तव में 500 साल पहले कोलम्बस का जन्म हुआ था. द मैनलैंड लैंड ऑफ अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय नॉर्थमैन. उनका जन्म तो 500 साल पहले हुआ था कोलम्बस का, लेकिन जो नॉर्थमैन के द्वारा इसकी खोज, इस महाद्वीप की खोज हुई थी. इट इज़ बिलीव दैट फर्स्ट दे सेल्ड वेस्ट टू डिस्कवर आइसलैंड, देन ग्रीनलैंड, देन टू अमेरिका. आप सभी जैसे कि जानते हैं और सुना भी होगा, सबसे पहले जो था अमेरिका को की खोज आइसलैंड के नाम से हुआ, फिर ग्रीनलैंड के नाम से, देन अब अमेरिका पड़ गया उसका नाम. वी माइट से दैट एक्सप्लोरेशन इज नॉट अ न्यू थिंग. श्योरली सम एक्सप्लोरर्स वर ऑलरेडी एंगेज इन दिस टास्क बिफोर कोलम्बस. इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस खोज में सिर्फ कोलम्बस ही नहीं जुड़े थे, बहुत से लोग जुड़े हुए थे जो इसकी खोज उनसे पहले से कर रहे थे. नेदर कोलम्बस नॉर नॉर्थमैन, ना ही कोलम्बस और ना ही नॉर्थमैन बिफोर डैट हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, ना ही कोलम्बस और ना ही नॉर्थमैन थे जो इस खोज इस अमेरिका की खोज कर रहे थे. इससे पहले भी बहुत से लोग थे जो इनकी खोज कर रहे थे. देयर वर रेड इंडियंस हु हैड ऑलरेडी बीन लिविंग फॉर मैनी सेंचुरीज बिफोर द वाइट मैन अराइव. कुछ रेड इंडियंस भी थे जब हमारे इस पे वाइट मैन मतलब गोरे आदमी रहते थे, उस टाइम से भी खोज हो रही थी. जो कि हमारे इंडिया के रेड इंडियंस थे वो लोग खोज कर रहे थे, उन्होंने भी कई सेंचुरीज पार कर दी, कई वर्षों तक उन्होंने भी खोज की थी. इट इज़ बिलीव दैट द रेड इंडियंस वर द फर्स्ट टू रीच देयर फ्रॉम एशिया. और आप इस पे भरोसा जरूर करेंगे कि रेड इंडियंस थे वो सबसे पहले एशिया पहुँचे थे. आफ्टर कोलम्बस के बाद सम अदर एक्सप्लोरर्स ऑल्सो वेंट टू अमेरिका. कोलम्बस के बाद और भी लोग अमेरिका पहुँचे, उसे देखने के लिए गए. दे वॉन्टेड टू ब्रिंग द नेचुरल रिचेस ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड कंटेन विद दैम, बट मोस्ट ऑफ दैम सेटल देयर. जब मतलब वहाँ पे वो अमेरिका जब वो पहुँचे थे, वहाँ पे बहुत सारी नेचुरली चीज़ उन्होंने देखी थी और फिर उसके बाद वो वहाँ पे सेटल होने के लिए सोच लिए और हो गए. इन 1620 मोर देन 100 मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन सेल्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन शिप टू अमेरिका. 1620 में 100 आदमी औरतें और बच्चे इंग्लैंड से अमेरिका में सेटल होने के लिए एक जहाज से निकल पड़े. देयर दे फाउंड अ प्लेस विथ प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर एंड अदर थिंग्स. उनको बहुत सी चीज़ें मिली, जैसे खाना पानी और भी बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ पे मिली. दे सेटल देयर, वो वहीं पे सेटल्ड हो गए. एट फर्स्ट दे फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज. सबसे पहले उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, बट दे हैड मेड अप देयर माइंड्स टू स्टे देयर ओनली. लेकिन उन्होंने अपना माइंड जो था, अपने जो उनका जो दिमाग था, उनको ये स्थिर कर लिया कि उनको यहीं रहना है और यहीं सेटल होना है. दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक टू इंग्लैंड. वे इंग्लैंड वापस नहीं जाना चाहते थे. ग्रेजुअली द थिंग्स इम्प्रूव्ड. इसी के कारण वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे. दे स्टार्टेड लिविंग विद रेड इंडियंस एज नेबर एज वेल एज फ्रेंड्स. फिर उन्होंने इंडियंस के साथ दोस्ती बढ़ाई और वहाँ पे रहना स्टार्ट किए. देन दे कॉल्ड
सम अदर फ्रेंड्स फ्रॉम इंग्लैंड. फिर उन्होंने अपने कुछ इंग्लैंड के कुछ दोस्तों को भी वहाँ पे बुलाया इंग्लैंड से. दे सेट अ कॉलोनी विच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ एंड करेजेस. फिर उन्होंने एक कॉलोनी तैयार की वहाँ पे. वहाँ पे उस कॉलोनी में मतलब बहुत सारे लोग रहते थे. एक कॉलोनी तैयार की जो कि लोग एक दूसरे पे जहाँ पे विश्वास करते थे. दी सेटलर्स इन टाइम बिकम द सिटीजन. फिर वे जो सेटलर्स थे वो एक नागरिक बन गए एंड लेटर ऑन नॉन एज अमेरिकन. और नागरिक बनने के बाद अब उनको हम अमेरिकन के नाम से जानते हैं. ठीक है, आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके बाद आपका फिलअप और ट्रू फॉल्स है, वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूँगी. ठीक है, आज के लिए आपका इतना काफ़ी है. और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी जो भी होगा इसका एक्सरसाइज. आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो. और मुझे अच्छी लगी. डिस्कवरी का खोज हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, हम उन सभी के बारे में जाने थे इन सब इस चैप्टर में. ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. 16 चैप्टर तक आपका हो गया है, 17 चैप्टर है द वैली ऑफ डायमंड्स. ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे उसके बारे में क्या है क्या नहीं है. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच क्लास.